दोस्तों, ये है राजस्थान का चित्तौड़गढ़ शहर, जो अपने गौरवशाली इतिहास और चित्तौड़ किले के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और यह किला दुनिया के सबसे बड़े किलों में से भी एक है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ ही वो शहर है जहां राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा व्हाइट सीमेंट का कारखाना मौजूद है, जिसकी स्थापना साल 1974 में की गई थी। अथवा आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि राजस्थान का सबसे ज्यादा जल भराव क्षमता वाला बांध भी इसी शहर में स्थित है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है, जो पहाड़ी के शिखर पर बने अपने विशाल दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि चित्तौड़गढ़ की प्राचीनता का पता लगाना काफी कठिन है, लेकिन माना जाता है कि महाभारत काल में भीम ने अमृत के रहस्य को समझने के लिए इस स्थान का दौरा किया था। हालांकि आज के दौर में चित्तौड़गढ़ राजस्थान का मेजर डिस्ट्रिक्ट है, जो तकरीबन 7,822 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर अपनी बाहें फैलाए हुए है। साल 2011 में किए गए जनगणना के आधार पर चित्तौड़गढ़ में लगभग 116,000 की विशाल आबादी पाई जाती है। यहाँ के लोग बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, तथा यहाँ का खान पान और मेहमान नवाजी आपका दिल जीत लेगी। यहाँ के खाने की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में सबसे प्रसिद्ध यहाँ का गट्टे की खिचड़ी है। इसके अलावा आप यहाँ का दाल बाटी चूरमा और कई तरह की मिठाइयाँ प्रसिद्ध है। वहीं यदि हम धार्मिक रूप से देखें तो आज चित्तौड़गढ़ की आबादी में 81% लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। वहीं 14.12% मुस्लिम और 4.2% लोग यहाँ सिख धर्म को मानते हैं। चित्तौड़गढ़ एक बड़ा ही रंगीन शहर है, जहाँ की गलियों में आपको पूरे राजस्थान का मिला जुला कल्चर देखने को मिल जाएगा। अथवा यदि हम इसके इतिहास पर नजर डालें, तो चित्तौड़गढ़ की प्राचीनता का पता लगाना कठिन कार्य है, लेकिन माना जाता है कि महाभारत काल में भीम ने अमृत के रहस्य को समझने के लिए इस स्थान का दौरा किया था, और उन्होंने गुस्से में अपना पांव जोर से जमीन पर मारा, जिससे वहां का पानी एक तालाब सा बन गया। पानी के इस कुंड को भीमताल कहा जाता है। बाद में यह स्थान मौर्य वंश के अधीन आ गया। इस संदर्भ में भिन्न भिन्न राय हैं कि ये मेवाड़ शासकों के अधीन कब आया, लेकिन राजधानी को उदयपुर से लाने से पहले 1568 तक चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी रहा। ये माना जाता है कि गुलाबी वंशी बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी के मध्य में अंतिम सोलंकी राजकुमारी से विवाह कर लिया और चित्तौड़गढ़ को दहेज के रूप में प्राप्त किया। बाद में उनके वंशजों ने मेवाड़ पर शासन किया, जो 16वीं शताब्दी तक गुजरात से अजमेर तक फैल चुका था। अजमेर से खांडवा जाने वाली ट्रेन के रास्ते के बीच में स्थित चित्तौड़गढ़ जंक्शन से 2 मील उत्तर की ओर अलग पहाड़ी पर भारत की गौरव राजपूताना का सुप्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, जो समुद्र तल से 1338 फीट की ऊंचाई पर और 500 फीट की ऊंची एक विशाल वेल मछली के आकार वाली पहाड़ी पर निर्मित है। ये दुर्ग लगभग 3 किलोमीटर लंबा और आधे मील तक चौड़ा है। पहाड़ी का घेरा करीब 8 मील का है और ये दुर्ग करीब 700 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ वो वीर भूमि है जिसने समूचे भारत के शौर्य, देशभक्ति और बलिदान का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ असंख्य राजपूतों ने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। वही राजपूत वीरांगनाओं ने कई अवसर पर सतीत्व की रक्षा के लिए अपने बच्चों के साथ अग्नि में प्रवेश कर दिया। इन स्वाभिमानी देश प्रेमी योद्धाओं से भरी पड़ी ये भूमि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ की हर एक इमारत हमें एकता का संकेत देती है। दोस्तों, जोधा अकबर मूवी चित्तौड़गढ़ के फोर्ट में शूट हुई थी, और कई बॉलीवुड मूवी के गाने जैसे कि गाइड का गाना आज फिर जीने की तमन्ना है, जो 1965 में शूट किया गया था, और ये जवानी है दीवानी, प्रेम रतन धन पायो, कयामत ही कयामत जैसी कई मूवी चित्तौड़गढ़ फोर्ट में शूट हो चुकी है। तो अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जहां जाकर आप अपनी चित्तौड़गढ़ की यात्रा को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो फर्स्ट है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ फोर्ट उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक है, जो कई वीरता और बलिदानों की कहानी के साथ यहाँ आज भी खड़ा हुआ है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान में घूमने वाली जगहों में से एक बेहतरीन जगह है। सही शब्दों में ये दुर्ग राजपूतों की संस्कृति और मूल्य को भी प्रदर्शित करती है। अगर आप चित्तौड़गढ़ जाएं तो इस दुर्ग को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट इज रानी पद्मिनी महल। रानी पद्मिनी का महल मानसरोवर के किनारे पर बना एक ऐतिहासिक महल है। ये महल रानी के लिए एकांत, शांत और पर्दे के इंतजाम के साथ ही रानी पद्मिनी की सुंदरता के किस्सों का ऐतिहासिक गवाह है। इनकी इसी सुंदरता की छवि को देख के ही मुगल सम्राट अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें पाने के लिए चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था। नेक्स्ट इज कीर्ति स्तंभ। इसे भगेरवाल जैन व्यापारी जीजा शाह ने 12वीं शताब्दी में बनाया था।
122 फीट ऊंची है। ये 7 मंजिला है और इसमें 157 सीढ़ी हैं। इसमें जैन पंथ से संबंधित चित्र भरे पड़े हैं। ये विजय स्तंभ से भी पुराना है। नेक्स्ट इज मीराबाई मंदिर। इस मंदिर का स्वरूप उत्तर भारतीय शैली में मीराबाई के पूजा स्थल के रूप में किया गया था। इसकी विविधता इसकी कोणीय छत है जो दूर से ही दिख जाती है। ये मंदिर 4 छोटे मंडपों में घिरा हुआ है और एक खुले आंगन में बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ये था राजस्थान का चित्तौड़गढ़ शहर। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।